सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का वक्तव्य सुना, बड़ी हैरानी हुई, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या इतिहास है आपका? पूरे जीवन में सिर्फ 3 चुनाव आपने जीते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं। 5 बार जिस गांधी परिवार ने आपको राज्यसभा के अंदर अपॉइंट किया हो, नॉमिनेट किया हो, आप आज उस गांधी परिवार के खिलाफ बात करते हैं? क्या इतिहास है? 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा। अरे आपसे यह चुनाव तो मैंने जीते हुए हैं, 6 चुनाव जीत चुका हूं मैं अभी तक, आज भी चुनाव जीता हुआ बीच में बैठा हूं, 2 लोकसभा और 4 विधानसभा। आपका क्या इतिहास है? जम्मू कश्मीर में कोई आपको पूछता नहीं, आप आके यहां पर अपने आप की नसीहत देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको हरियाणा का विधानसभा से पहले आपको प्रभारी बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी बजाय कोई और प्रभारी हमारा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार आंध्र प्रदेश के अंदर होती। आप गांधी परिवार को नसीहत देते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी करते हैं आप। क्या इतिहास है आपका? गांधी परिवार का इतिहास भूल सकता है कोई? इंदिरा जी ने देश के लिए जान दी, राजीव जी ने देश के लिए जान दी। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।